रोटी कपड़ा मकान ये हर एक की जरूरत होती है। अब मकान तो बन गए लेकिन कई जगह माफिया आ गए। मैं आज सीधे निर्देश दे रहा हूं, एक भी माफिया मध्य प्रदेश की धरती पर छोड़ा नहीं जाएगा। अब ये कौन कौन माफिया इधर कलेक्टर कमिश्नर देखें, कौन ने गरीबों के प्लाट दबाए, कौन ने जनता की मेहनत की कमाई में खलल डाला है। मैं साफ निर्देश देता हूं, ऐसे सारे माफियाओं को पहचान के उनको आर्थिक कमर भी तोड़ के पूरी तरह से तोड़ दिया जाए और मध्यम वर्गीय निम्न मध्यम वर्गीय कालोनी निवासी जिन अपनी मेहनत से अपने मकान खड़े किए हैं उनके प्लाट मकान उनको वापस करवाए जाए। ये भूमाफिया समझ लें, लूटने का दौर निकल गया। जनता के हक पे जिसने डाका डाला वो छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। आप बताओ उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जनता की जिंदगी से मुट्ठी भर लोग होते हैं, ये जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं और एक नहीं कई तरह के माफिया। दो फैसले मैंने किए, एक गरीब अगर कहीं छोटी मोटी जगह पे अपना कच्चा मक्का छोटा मोटा मकान बना के रह रहा है तो उसको तो हम जमीन का टुकड़ा पट्टा देकर उसका मालिक बनाएंगे, लेकिन बड़े माफियाओं ने जहां जहां जमीन पे कब्जा किया अतिक्रमण हटाओ, उनके मकान तोड़ताड़ के एक तरफ करो, जमीन सारी अतिक्रमण मुक्त कराओ और जनता और शासन के काम आए इसका इंतजाम करो और कार्रवाई चल रही पूरे मध्य प्रदेश में। चारों तरफ आजकल आप देख रहे होंगे भूमाफियाओं के खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश की धरती पे कार्रवाई चल रही है। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं इंदौर वासियों, पांच नंबर वालों, ये माफियाओं पे कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरे माफिया और ड्रग माफिया, ये बहुत खतरनाक लोग। मैं इंदौर पुलिस को बधाई दे रहा हूं, आज मैंने सम्मान भी किया है। ये बड़े बड़े ऐसे माफिया है जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। अभी इंदौर पुलिस ने वो कौन सी गोली है, कौन सा नाम भाई, एमडीएम, अब ये गोली खोली मामा तो जानता नहीं था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों से, ये इतनी खतरनाक है कि बच्चों की जिंदगी तबाह और बर्बाद कर देती है। ये रियो पार्टी, हुक्का पार्टी, यहां छोटे छोटे बच्चे 18 साल 19 साल 20 साल के चले जाते हैं, लोग नशे में उनको फांसने की कोशिश करते हैं, आदत लगाते हैं और उनकी जिंदगी तबाह कर देते हैं। क्या ऐसे बच्चों की जिंदगी हम तबाह होने देंगे? और इनमें कोई रियो पार्टी नहीं होगी और कोई लाउंज हुक्का फुक्का का नहीं चलेगा मध्य प्रदेश की धरती पर और इंदौर की धरती पर। मैं बच्चों को तबाह और बर्बाद नहीं होने दूंगा। और ऐसे जितने ड्रग माफिया है, अभी जो पकड़ी है गोलियां इंदौर की पुलिस ने, ये मेरे 75,000 बच्चों की जिंदगी को तबाह कर देती, 75,000 परिवार बर्बाद हो जाते, उनके माता पिता के सपने चूर चूर हो जाते और एक बार नशे के ग्रस्त में जाते तो जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती। इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। और ये मेरे निर्देश सीधे सीधे ड्रग माफियाओं की भी कमर तोड़ दी जाएगी, इनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे हम, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। बताओ इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इंदौर जरा बुलंद आवाज में बोले, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बेटियों के साथ छेड़छाड़ी करने वाले गुंडे बदमाश, जनता को डराने वाले धमकाने वाले, मसल पावर का उपयोग करने वाले, मैंने पुलिस को साफ कहा है कि ऐसे गुंडे बदमाशों के तो मकान फकान सब तोड़ दो, धंधे तबाह कर दो, इनको बर्बाद कर दो, इनको माटी में मिला दो, जनता की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करने देंगे किसी भी कीमत।
या बात अवैध दारू का धंधा करने वाले, मेरे साफ निर्देश है, ये माफियाओं के जितने चिटफंड माफियाएं जनता की गाड़ी कमानी कमाई के पैसे ये चिटफंड कंपनियों वाले ये लूट लेते हैं। मैं आपको सावधान भी करना चाहता हूं, ऐसी चिटफंड कंपनियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जहां जहां पड़े गरीबों का पैसा जाए, केवल FIR दर्ज नहीं करेंगे, जहां मिल रहा है वहां से पकड़वा के ला रहा हूं, उठवा के ला रहा हूं, और उनकी संपत्तियां नीलाम करके चिटफंड कंपनी के पैसे जिनसे खाए हैं उनको भी पैसा वापस दिलाने का अभियान हम चला रहे हैं। हमारी बेटियों को छेड़छाड़ी करने वाले, बहकाने वाले, फुसलाने वाले, मेरे बहनों और भाइयों मुझे तकलीफ होती है कहते हुए, जब मैं समीक्षा करता हूं तो सैकड़ों बेटियां पता ये चलता है कि गायब है। अभी पिछले दिनों हमने हैदराबाद के सिकंदराबाद से बेटी बरामद करवा के लाए, नेपाल की सीमा से नूरगंज से बेटी बरामद करवा के लाए। ये भोली भाली बेटियां, इनको बहकाना, इनको फुसलाना, दबाना, लालच देना और फिर इनकी जिंदगी से खेलना, ये मामा किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसलिए हमने तय किया है, कड़ा कानून बनाया है। अब लव जिहाद हो चाहे कुछ हो, भैया मैं मध्यप्रदेश की धरती पर चलने किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करने वाले ये सोच ले, मध्यप्रदेश में कड़ा कानून बना लिया है, अब छोटी मोटी सजा नहीं होगी, पूरी जिंदगी जेलों में चक्की पिसवाऊंगा, आजीवन कारावास की सजा होगी, आजीवन कारावास की सजा होगी।